वजीरपुर जेजे कॉलोनी में कांग्रेस अपने पुराने रंग में लौट आई है। नीमड़ी वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती सोनिया की रैली में उमड़ा जन सैलाब तो यही संदेश दे रहा है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस का ये रोड शो विरोधियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। हजारों की संख्या में इस रोड शो में लोग शामिल हुए। हर धर्म और हर समाज के लोग इसमें शामिल थे। कहीं ढोल नगाड़ों की गूंज तो कहीं नारों का शोर। खुली जीप में सोनिया और वजीरपुर के पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता अपने कार्यकर्ताओं और कांग्रेस समर्थकों का ये सैलाब देखकर काफी संतुष्ट दिखे। पूर्व विधायक हरिशंकर ने भी माना कि कांग्रेस अपने पुराने रंग में लौट आई है। जेजे कॉलोनी की जनता कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बनाने का मन बना चुकी है। ये समर्थन है कांग्रेस को और वापसी है तमाम उन लोगों को जो पिछले चुनाव के अंदर कांग्रेस को छोड़कर गए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद जेजे कॉलोनी अपने पुराने रंग में आ गई है और कांग्रेस जो जितने मार्जिन से यहाँ पर जीतती थी दोबारा से वो इसी मार्जिन से जीतेगी। वजीरपुर विधानसभा के नीमड़ी वार्ड की प्रत्याशी सोनिया का ये रोड शो दूसरी तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। करीब 3 घंटे के इस रोड शो में हरिशंकर गुप्ता और सोनिया पैदल चलकर भी मतदाताओं तक पहुंचे और मतदाताओं को भरोसा दिलाया कि वो 5 साल जनता के बीच में रही हैं और आगे भी रहेंगी। आज की रैली देख के और आज का जो समर्थन है, आज मैं पूरे निश्चित होकर रूप से कह सकती हूँ कि आज जो दूसरी पार्टी है उनके होश उड़ने वाले और हम चैन से सोएंगे जरूर। तैयारियां तो हम पिछले 5 सालों से करते आए हैं और भी चल रही हैं और जहां हमें लगता है काम के और विकास के ऊपर हमें दोबारा से वोट मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। कांग्रेस प्रत्याशी सोनिया बेशक कांग्रेस की नीतियों और अपने काम पर वोट मांग रही हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता का ये अपनापन केवल काम के लिए ही नहीं बल्कि जेजे कॉलोनी और नीमड़ी को सोनिया के व्यवहार की वजह से भी गजब समर्थन मिल रहा है। अपने पूरे कार्यकाल में सोनिया और उनके परिवार और टीम को लेकर कभी कोई विवाद और शिकायत नहीं रही। यह अपार भीड़ सोनिया के व्यवहार को भी समर्थन है जो अन्य उम्मीदवारों में नहीं दिखाई देता। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी।